Good evening, everyone, and welcome to this webinar of Physics from Vidya Mandir Classes. This webinar is specifically, as I have told you in earlier sessions also, designed for 2020 students, means the students who are appearing in 2020, but any student can watch this as it is completely free for Vidya, from Vidya Mandir Classes, right? So, namaskar. बहुत बहुत गुड इवनिंग एक बार फिर से विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से. मैं सौरभ कुमार, डायरेक्टर एकेडमिक्स विद्या मंदिर क्लासेस लिमिटेड, आज आपके साथ एनर्जी एंड मोमेंटम फिजिक्स में चैप्टर करने जा रहा हूं रिवाइज. हमने इसको ना दो सेशन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. तो आज के सेशन में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग वर्क की बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे और सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे. बट आज हम कोलिजन की बात नहीं करेंगे. कोलिजन के लिए हमने एक सेपरेट सेशन जो है वो रखा है, जिसके अंदर हम लोग पूरा कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे. क्योंकि कोलिजन में से आप देखोगे तो हर पेपर में कम से कम एक से दो क्वेश्चन आते हैं, राइट. हालांकि इस जो आज हम करने जा रहे हैं इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए और हम इसको रिवाइज करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वेबिनार में बात की, आप लोगों के सजेशन लिए कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आज के वेबिनार में भी 2020 के क्वेश्चंस भी लेंगे और 2019 के क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है. तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और हम इसी के साथ इस बात को शुरू करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्क क्या है. सब लोग जानते हैं कि वर्क को हम तीन तरीके से, चार तरीके से कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब ने पढ़ा है. बट एक बार हम लोग रिव्यू मार लेते हैं फटाफट कि वर्क जो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया जाता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो किया जाता है वो सभी जानते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है. बट हमारा काम है आपको सब कुछ रिवाइज कराना, राइट, विच इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. और ये वर्क जो है पॉजिटिव होता है अगर थीटा जो है लेस देन 90 है, जीरो होता है अगर थीटा 90 है, और नेगेटिव होता है अगर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट. यस, आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दैट. दिस इज ए नॉर्मल फॉर्मूला फॉर वर्क एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर हमें ऐसा दिया हो कि अगर हमें जो कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर हमें दिया हो कि अगर हमें पता है कि F is equal to Fx i cap plus Fy j cap plus Fz k cap and जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी दैट इज सम सपोज करिए कि कुछ है Sx i cap plus Sy j cap plus Sz k cap, right? तो we can also always write that W is equal to Fx into Sx plus Fy into Sy plus Fz into Sz, right? तो ये तो normal सी चीजें हैं. जो question मैंने देखे हैं JEE main में जो आते हैं work के calculation को लेके, ठीक है, वो दो concepts पे ज्यादातर based होते हैं. एक तो होता है कि हम जो है displacement करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो work calculate कराते हैं. और दूसरा है कि हम area under graph के बारे में भी बात करके work calculate कराते हैं, ठीक है. तो जैसे सपोज करिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, सपोज करिए ये R1, ठीक है, और फाइनली ये यहाँ पे पहुंच रहा है, ये इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं R2, ठीक है. तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है सब लोग जानते हैं R2 माइनस R1 होता है, उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग 12th पास किए हुए हैं, तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट आज की क्लास में करने का मतलब नहीं है, ठीक है. हम यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ले लें x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लें x2, y2, z2, ठीक है. तो ऐसे केस में जो हमारा वर्क लिखा जाता है वो लिख दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा x2 माइनस x1 i cap plus y2 माइनस y1 j cap plus z2 माइनस z1 k cap, है ना. तो जो हमारा वर्क हो गया वो हो गया fx into x2 minus x1 plus fy into y2 minus y1 plus fz into z2 minus z, right? तो ये हमारा जो है वर्क हो गया, right? अच्छा, और क्या है वर्क? अगर हम
जनरल बात करें या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करें, तो अगर हम कहते हैं कि वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, उसी में एरिया की बात कर लेंगे कि अगर हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है इंटीग्रल एफ डॉट डीएस, राइट, इंटीग्रल एफ डॉट डीएस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कंडीशंस, राइट। इसको कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है सबसे आसान तरीका होता है कि आप डीएस को लिख लीजिए डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप, राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आप ये सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो ये कोई भी अगर हमारा एफएस कर्व है, ये हमारा एफएस कर्व है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो इसके अंदर का एरिया होगा, जो भी हमारा एफएस कर्व है, वर्क डन जो होगा वो इसके अंदर का एरिया होगा, ठीक है। दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रही हो, जो लोग वेबिनार इसमें देख रहे हैं हमारा, कि हम यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। जेई मेन में बेसिकली क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, बट हम इसको डिस्कस छोटा छोटा कर लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि जेई मेन में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के बारे में बात क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है, बट स्टिल वी विल रिवाइज, क्या पता अगले साल आ जाए, इसी साल आ जाए, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप जीरो होता है, ठीक है। कैसे कैसे डिफाइन, कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो, पहली बात, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी पाथ इंडिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बड़ी हेल्प करेंगी, जून जुलाई में नहीं करेंगे तो अगस्त में करेंगे, एडवांस के लिए करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, ठीक है। नॉर्मली ये सब कौन से फोर्सेस होते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस, नॉर्मली कौन से फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। सब लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे हमारे लिए कौन से फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। फिर दूसरी तरीके की बात हम करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो जिनके थ्रू वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, ठीक है, पाथ पे डिपेंडेंट है, मतलब अलग पाथ आप अलग कर देंगे तो वर्क डन अलग हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है, और जो फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्सेस इस तरीके के फोर्स होते हैं, जो है कौन से वाले, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, जैसे हम लोग से पूछा जाता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, तो ये बड़ा ना इंपॉर्टेंट है ना, तो ये इसको जरूर देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, वर्क का ना कैलकुलेशन नॉर्मल है, मतलब वो चाहे किसी के लिए भी किया जाए नॉर्मल है, जैसे कई बार सूडो फोर्स का वर्क डन भी कैलकुलेट करना होता है तो हम सूडो फोर्स का भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि सूडो फोर्स मैथमेटिकल टर्म है, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी कैलकुलेट किया जा सकता है। किस केस में किया जाता है, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तब हम वर्क डन बाय सूडो फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं, एक जो फ्रिक्शन का जो कंफ्यूजन होता है उसको समझने के लिए। जैसे सपोज करिए कि दो ब्लॉक हैं हमारे, और ये दो ब्लॉक आपने क्वेश्चन करा था, मैंने भी आपको डायनामिक्स में पिछले क्लास वेबिनार में कराया, एक साथ चल रहे हैं, बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, इफ एनीबडी हैज एनी इशू दे कैन लुक एट माय प्रीवियस वेबिनार, राइट, कि कैसे एक साथ चल सकते हैं। तो अगर हम M1 पे देखें तो कैसा लग रहा है फ्रिक्शन, अगर हम M1 पे देखते हैं
लेट मी से कि मैंने फोर्स यहाँ लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो एम1 पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। एम2 पर हम सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेट फोर्स की वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड हो रहा है, सबको दिख रहा है कि भाई इधर फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है इधर ही होगा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो W1 होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो फर्स्ट केस में होगा, ठीक है, वो कितना होगा, यहाँ पे देख लें तो होगा F F into S। तो देखिए फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव आ गया, ठीक है। दिमाग में क्या रहता है कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। अब इस केस में अभी अभी और अच्छी चीज देखो, W2 यहाँ पे कैसा, फ्रिक्शन लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट राइट में, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आ गया, माइनस एफ एस, राइट। बट ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तो रिलेटिव मोशन कर ही नहीं सकता दो सर्फेसेस के बीच में, तो ये वर्क कैसे कर लेगा, तो इसका नेटवर्क जो है वो क्या है, जीरो। तो जो आप W देखोगे इस फ्रिक्शन का, वो W1 plus W2 है, and that is equal to zero, वो उसको जीरो होना भी था, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जब चीज स्टेशनरी है, जब चीज स्टेशनरी है तो उसके थ्रू वर्क डन हो नहीं सकता, मतलब उसने रिलेटिव मोशन सीज कर दिया दोनों के बीच में, दो सर्फेसेस के, तो रिलेटिव मोशन जब सीज हो गई तो फिर फ्रिक्शन का वर्क डन। बट इंडिविजुअल पे फ्रिक्शन का वर्क डन, देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं कंफ्यूज करने वाले। इंडिविजुअल पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, इंडिविजुअल पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क जीरो हो सकता है, पर टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क, सॉरी इंडिविजुअल पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, पर टोटल पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सिस्टम पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन में वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक आगे चल रहा है और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, work done by kinetic friction that will be minus fk into s, ठीक है। तो work done by kinetic friction will always be negative and net work done by static friction will always be zero, right? So these are some basic things which you need to understand or remember or whatever, keep in mind, right? Now let us take a problem from 2019. Problem is simple. Problem says that a force acts on a 2 kg object, ठीक है, mass जो है इसका 2 kg है, 2 kg object, so that the position is a function of time, x is equal to 3t square plus 5, x is equal to 3t square plus 5, what is the work done by the force in the first 5 seconds, ठीक है, so work done by the force in the first 5 seconds, right, so देखिए x ये हो गया, तो velocity अगर हम देख लें तो क्या हो गई, velocity हमारी होगी 60, ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि work done is equal to change in, क्या होता है, kinetic एनर्जी होता है, ठीक है। तो v at t is equal to 0 is 0 and v at t is equal to 5 is 30, v at t is equal to 5 is 30, right, and we know that ki work done is equal to half m v2 squared minus v1 squared, so w is equal to half of 2, mass is 2 kg, into final square is 30 square minus 0 square, so it is equal to 900 joules. तो देखिए लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चन जेई मेन में आने लायक था, है ना, ये तो स्कूल के एग्जाम में भी इतना सरल क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में होते हैं जहां पे हम स्कोर कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 2019 का क्वेश्चन सॉल्व हुआ 30 सेकंड से कम लगा, ठीक है। 2019 का फिर से एक क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन कहता है कि ए पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, हियर द फोर्स इज गिवन एज 3i कैप माइनस 12 j कैप अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू 4i कैप, ठीक है। इफ द पार्टिकल हैड ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 जूल, के ई इनिशियल जो है दैट वाज 3 जूल at the beginning of the displacement, what is the kinetic energy at the end of the displacement, right? So work done nikal lete hain, work is what? Work is F dot D. Work is F dot D. So it will be what? It will be 12 joules. ठीक है? जो अभी हमने किया, Fxx xx component multiply हो जाएंगे. And work done is equal to Ke final minus Ke initial. So 12 is equal to Ke final.
which we have to calculate, and k initial is 3, right? So final kinetic energy is 12 plus 3 is equal to 15 joules. The final kinetic energy is 15 joules, and C is the option for the kinetic energy to be 15 joules. So another, you can say, bonus question we have got in 2019, right? So मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन गलत करना हो, राइट? परफेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आ गया हमारा 9th जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 9th जनवरी मॉर्निंग, राइट? लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स जो है वो है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है? अब इसको ले जा रहे हैं हम 1,0 से 0,1 तक, और हमसे पूछा है कि वर्क डन बता दो इसमें क्या है. तो हमने आपको बताया था, जब आपको पता नहीं हो कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो ऐसे केस में हम डिस्प्लेसमेंट ds को लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप, राइट? तो जो वर्क डन हो गया हमारा dw, वो हो गया मेरा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, राइट? सो टोटल वर्क डन जो हो गया वो मेरा हो गया माइनस एक्स डी एक्स. अब एक्स देखिए कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से 0 तक प्लस वाई डी वाई. वाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से 1 तक. वाई कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से 1 तक. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू लिमिट्स 1 से 0 प्लस y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1, राइट? सो इट इज व्हाट, 0 माइनस 1 बाय 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 एंड दिस आल्सो 1 बाय 2, सो दिस गिव्स मी 1 जूल्स. सो दिस इज ऑप्शन नंबर, ठीक है? सो दिस इज ऑप्शन नंबर. तो अगर आपको जरा सा भी ध्यान रहे कि कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं, तो 2020 के क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है? जो बातें मैंने बताई उनको सिर्फ ध्यान रखना है, इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी और बात को ध्यान रखने की आपको जरूरत है. यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन कहता है पर्सन ऑफ मास कैपिटल एम. इस क्वेश्चन में एरर था, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में एरर था 2019 में, तो वी आर लीविंग दिस क्वेश्चन. आई हैव जस्ट पेस्टेड इट बाय मिस्टेक, राइट? सो पावर, पावर के ऊपर आते हैं. दूसरा जो टॉपिक है हमारा पावर है. हम सब जानते हैं कि पावर क्या है. पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? पावर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है. एक है एवरेज पावर और एक है इंस्टेंटेनियस पावर, राइट? पावर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक है एवरेज पावर और एक है इंस्टेंटेनियस पावर. तो सबसे पहले बात करी जाए एवरेज पावर की, तो इट इज एवरेज ओवर द टोटल टाइम पीरियड. सो इट इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंपली, ठीक है? एवरेज कर दिया आपने पूरे टाइम के ऊपर, ठीक है? एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? इंस्टेंटेनियस पावर इज पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है? पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. इसको कैसे दिया जाता है? इसको दिया जाता है F dot V. इंस्टेंटेनियस पावर कैसे लिखी जाती है? F dot V, यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. V यहां पर क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. V here is इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? द पावर इज F dot V. चलिए अब इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये JEE मेन, JEE एडवांस, बिटसैट, वीआईटी सब में आ चुका है और रिपीटेडली आ चुका है. तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि ये जो 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 कई बार रिपीट हो जाते हैं उनके रिपीट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं. इसका मतलब एग्जामिनर को उस क्वेश्चन में कुछ खास लग रहा है, उसको मजा आ रहा है उस क्वेश्चन में, राइट? तो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने यू वेलोसिटी से फेंक दिया थीटा एंगल पर. हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी इन द होल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल. दो चीजें पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द होल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, राइट? तो होल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर हम देखें
होल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर हम देखें तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो. व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज जीरो. सो दिस इज द एवरेज पावर. दिस इज एवरेज पावर बिकॉज यू आर स्टडिंग इट ओवर द एंटायर मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट? So, work done by gravity divided by the time of flight. So, work done by gravity is zero divided by time of flight. So, it is zero, right? So, and when it is at highest point, when it is at highest point. और जब ये कहाँ पर है? Highest point पर है. ठीक है, तो highest point पे अगर हम देखें तो इसकी velocity होती है u cos theta. और acceleration due to gravity नीचे की तरफ होता है g. यानी जो फोर्स है mg, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. इसमें पूछा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, राइट? तो हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया? एक इंस्टेंस हो गया. हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया? एक इंस्टेंस हो गया. यानी उस इंस्टेंस पर बेसिकली क्या पता करना है आपको? उस इंस्टेंस पे आपको पता करना है कि तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो गई, राइट? तो कौन से पावर की बात हो गई? इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो गई है, राइट? तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो गई. तो अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की. तो हाईएस्ट पॉइंट पे पावर को हम लिख सकते हैं एफ डॉट वी. एफ डॉट वी, तो बिकॉज एफ एंड वी ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर. देयरफॉर दिस इंस्टेंटेनियस पावर विल बी जीरो. तो इतना मजेदार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, राइट? अब इसको सब लोग कर लेते सही अगर मतलब अगर ये बात ध्यान रखते कि जो है क्या करना होता है कि इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. ये 7th जनवरी मॉर्निंग का क्वेश्चन है. फिर देखिए मैं कमाल दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कि जो पिछले वेबिनार में भी दिखाया था कि रिपीटेडली एक जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जेई मेंस वाले. जेई मेंस वाले रिपीटेडली एक जैसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन देखें तो क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 60 हॉर्स पावर a 60 horsepower electric motor lifts an elevator having maximum load capacity of 2000 kg. ठीक है, if the frictional force on the elevator is 4000 newton, the speed of the elevator at full load is close to, मतलब स्पीड बतानी है और 1 horsepower इतना होता है, सब लोग जानते हैं. ठीक है, तो अगर हम लिफ्ट को देखें, लिफ्ट पे देखें तो क्या क्या लग रहा है भैया? लिफ्ट पे एक तो लिफ्ट का वेट लग रहा है, लिफ्ट पे एक तो लिफ्ट का वेट लग रहा है कितना? 2000 केजी यानी 20,000 न्यूटन. ठीक है, 2000 केजी यानी 20,000 न्यूटन. और फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, लिफ्ट अप कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगी. और फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है भैया? 4000 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रही है. तो इसको ऊपर खींचने वाले फोर्स को कम से कम इतना ही होना होगा, 20,000 प्लस 4000 व्हिच मींस 24,000, राइट? तो इस पे लगने वाली जो फोर्स हो गई वो हो गई मेरी 24,000 newtons, राइट? अब हमें स्पीड बतानी है इसकी, कितनी स्पीड होगी? द स्पीड ऑफ द एलिवेटर व्हेन इट इज एट फुल लोड इज क्लोज टू. ठीक है, तो पावर कितनी हो गई भैया हमारी? पावर हमारी हो गई 60 × 746. ठीक है, और पावर किसके बराबर होती है? पावर होती है फोर्स इंटू इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, राइट? तो यानी 60 × 746 = 24,000 × V. यानी V हो गई मेरी 60 × 746 divided by 24,000, है ना? और ये approximately जो आती है ये 1.9 meter per second आती है. ठीक है, तो कैलकुलेशन तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, टाइम लिमिटेड रहता है, तो उसको डिवीजन डिवीजन करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से आंसर मार्क कर लिया. 1.9 मीटर पर सेकंड आती है, राइट? तो सिंपल है देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल है ना? इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने क्वेश्चन गलत किया होगा जिसको ये पता होगा कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होगा. ठीक है, अब आप देखो 7th मॉर्निंग में आया था और 7th इवनिंग में फिर अप्रोक्सीमेटली सेम ही क्वेश्चन पूछ गया. ये सबसे मजेदार बात है जेईई मेंस की कि वो रिपीट करने में उसे शर्म नहीं है जरा सी भी, है ना? तुरंत वही क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट मार देता है. एन एलिवेटर ऑन अ बिल्डिंग इज कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 10% विद द एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन बीइंग 68 kg. तो आदमियों का जो मास हो गया वो कितना हो गया भैया? 68 × 10, ये तो केजी हो गए, × 10
ये हो गया मेरा वेट, है ना, ये मास नहीं हो गया, ये हो गया वेट। मास तो कितना हो गया भैया हमारा, मास हमारा हो गया 680 kg, और जो वेट हो गया वो मेरा हो गया 6800 newtons। ठीक है, ये वेट हो गया। द मास ऑफ द एलिवेटर, एलिवेटर का खुद का मास कितना है, एलिवेटर का खुद का मास है 920 kg, यानी एलिवेटर का जो वेट हो गया वो हो गया 9200 newton। ठीक है, और ये चलता है कांस्टेंट स्पीड 3 meter per second से। द फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है भाई, कितनी लग रही है, 6000 newton, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है 6000 newton। इफ द एलिवेटर इज मूविंग विद इट्स फुल कैपेसिटी द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द एलिवेटर इज, तो पहले तो देखते हैं नेट फोर्स कितना लगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई, फ्रिक्शन फोर्स 6000 प्लस आदमियों का वजन यानी 6800 newton प्लस लिफ्ट का वजन 9200। ठीक है, तो ये हो गया भैया 10, 16 और 6, 22, तो ये हो गया 22000। ठीक है, 22000 newton। तो पावर कितनी होती है भाई हमारी, पावर होती है हमारी एफ एन टू वी, ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही फोर्स है, ऊपर ही वेलोसिटी है, दोनों वेक्टर जो है पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर जो केबल लिफ्ट की खींच रही है वो ऊपर की तरफ खींच रही है, और जो वेलोसिटी है वो भी ऊपर की तरफ है, इसलिए एफ डॉट बी सीधा एफ एन टू वी लिख सकते हैं। आप सोच रहे हो कि क्यों एफ डॉट बी बोल रहे हैं और लिख एफ एन टू वी रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है, राइट। सो ये पावर जो हो गई वो हमारी हो गई 22000 × 3 व्हिच इज 66000 watts। तो कितना सरल सवाल है बताइए, 66000। सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू एफ इन टू वी। तो बड़े इजी क्वेश्चंस है, मेरा पॉइंट ये है ना कि बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, और हमें मतलब ऐसी क्वेश्चनों को गलत नहीं होने देना है, सारे क्वेश्चन सही करने हैं, है ना, जितने क्वेश्चन है एकदम छक्का मार देना है। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है यूनिवर्सल थ्योरम है मैकेनिक्स की, और यूनिवर्सल थ्योरम जो होती है उसके ऊपर कोई अजम्पशन नहीं लगता, यानी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के ऊपर कोई अजम्पशन नहीं है कि आप एप्लीकेबल है या आप एप्लीकेबल नहीं है, या तब एप्लीकेबल है तब एप्लीकेबल नहीं है, इस तरीके का कोई अजम्पशन नहीं है। ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फोर्सेस कैसे भाई, वर्क इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, इज ये, अच्छा आप ऐसे भी लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्यूडो लगेगा नहीं, बिल्कुल लगेगा, स्यूडो फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। ठीक है, स्यूडो फोर्स सिर्फ तब यूज होगा वर्क डन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज स्यूडो फोर्स का को लेने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी अगर आप इसको देखें, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली इसको सिंपली ये ले सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सब लोग जानते हैं ये बात। अच्छा, मैं इसको अगर यहाँ पे रख दूं तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक। क्योंकि जहां भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा, एनर्जी को क्या करेगा, डेसिपेट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, खर्च करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पर हम कह दें कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हैं, यानी एफएनसी जीरो है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हो गए तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जीरो हो गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जीरो हो गया, यानी इसका मतलब हो गया कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई इज इक्वल टू जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो कंजर्व रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, लेकिन कब रहेगी, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से पहले कुछ नहीं सोचना है, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन लगाने से पहले देखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट तो नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है हमारे लिए सबसे ज्यादा,
हमारे लिए फ्रिक्शन है जिसका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है अपने क्वेश्चंस में, राइट। चलिए 2019 का क्वेश्चन, ठीक है, उठाते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो under the influence of a force that varies with distance by the particle as shown in the figure, the kinetic energy of the particle after it has traveled 3 meter is. तो ये FS graph हमें दिया हुआ है और हम सब लोग जानते हैं कि FS graph के अंदर का area जो है वो work done के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला area, एक तो ये rectangle हो गया भाई हमारे पास, right, और वो एक trapezium हो गया, ठीक है। तो work done जो हो गया मेरा, वो area of rectangle अगर हम देखें तो कितना हो गया भाई, 2 into 2, area of rectangle हो गया मेरा 2 into 2, ठीक है, basically square है, ठीक है, 2 by 2 का square है, plus अब trapezium देखें तो half sum of parallel sides, तो एक तो side हो गई 3, दूसरी side हो गई 2, 3 plus 2 multiplied by the perpendicular distance between them यानी 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया w is equal to 4 plus 3 plus 2 5 by 2 2.5 यानी 6.5, ये हो गया मेरा 6.5, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। W इज इक्वल टू ke फाइनल माइनस ke इनिशियल, इनिशियली ये रेस्ट पे था, इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो 6.5 माइनस रेस्ट पे था तो 0 हो गई, यानी वर्क डन 6.5 हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। फ्री में हमें फिर से एक और नंबर मिला, 4 नंबर मिले और हमारा आंसर आ गया 6.5 जूल्स, ठीक है, 6.5 जूल्स। तो देखो अभी तक कोई क्वेश्चन, आप लोग देखो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो गलत होना चाहिए? नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो गलत होना चाहिए, यानी ये चैप्टर हमारे लिए है तो मैकेनिक्स का, बट स्कोरिंग है, ठीक है। चलिए जेई मेंस के हिसाब से, राइट, एडवांस में क्वेश्चंस टिपिकल आते हैं काफी, उसकी बात नहीं हो रही। ये कह रहा है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सेबल सच दैट 1/nth पार्ट इज हैंगिंग बिलो द एज ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई और ये हमारी चेन हो गई, दिस इज चेन, और ये जो पार्ट हैंग कर रहा है बच्चों, ये है एल बाई एनथ पार्ट, ठीक है, उसकी टोटल लेंथ एल थी और एनथ पार्ट हैंग कर रहा है एल बाई, ठीक है। अब इसको वापस टेबल पर रख देना है तो वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी जो कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अब जो वो होगा एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वो इसके अपोजिट होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आ जाएगा वो सीधा-सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, राइट। चलिए छोड़िए, अब जब कभी भी रिजिड बॉडी होती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे नापते हैं, रिजिड बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mg into yc, क्या लिखते हैं, जो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। तो ये l / n है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई मेरी l by 2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई l by 2। अच्छा, हैंगिंग पार्ट का मास कितना हो गया, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इज इक्वल टू m अपॉन l इनटू l अपॉन, ये होगा मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो ये हो गया मेरा m by n, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरी mg/cm, तो mg कितना, m कितना है मेरा, m है मेरा m by n into g, g है, और ycm क्या है l by 2, ycm क्या है हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है l by 2 है, तो ये कितनी हो गई भैया पोटेंशियल एनर्जी मेरी mgl/2n, ऊपर आप जीरो मान लीजिए तो आपका जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया mgl/2n। तो ये थोड़ा सा ठीक है, बट मुझे लगता है जो भी बच्चे तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की, वो सब ऐसे क्वेश्चन करे होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर किताब में होता है ना, तो कोई ऐसी किताब नहीं है, कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं है विद्या मंदिर के मॉड्यूल में, एग्जिस्टिस क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो इसको किया जा सकता है, राइट। चलिए एक 2019 का क्वेश्चन और आया हमारे सामने, ये देखते हैं क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन है। ये कह रहा है कि ए वेज ऑफ मास कैपिटल m = 4m lies on a horizontal frictionless surface, a particle of mass m approaches the wedge with a speed u, there is no friction between the particle, यानी
जब लिखा है देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को लगा सकते हैं, ठीक है. एंड एंड द प्लेन बिटवीन द पार्टिकल एंड द वेज, द मैक्सिमम हाइट क्लैंप बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज गिवन बाय, ठीक है. तो इसमें पहले मोमेंटम को कंजर्व करेंगे और फिर जो है एनर्जी को कंजर्व करेंगे, राइट. तो पहले जो था ये चल रहा था किससे भाई, ये चल रहा था कहाँ गया, एम मास का पार्टिकल था और यू वेलोसिटी से चल रहा था या वी वेलोसिटी से चल रहा था. वेज के ऊपर ये चढ़ गया तो वेज का मास हो गया 4m प्लस इसका मास हो गया m इनटू v डैश, यानी जो कॉमन वेलोसिटी हो गई जिससे ये चलने लगा v डैश, वो हो गई हमारी v बाई 5, राइट. वो हो गई हमारी v बाई, ठीक है. अच्छा, अब शुरू में इसके पास क्या थी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी. कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एनर्जी का कंजर्वेट कर रहे हैं, हाफ एम इनटू वी स्क्वायर. अब वेज के साथ चलने लगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी वेज इसमें सिस्टम में चली गई और कुछ काइनेटिक कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है. तो वेज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, सिर्फ किसकी चेंज होगी, पार्टिकल की चेंज होगी, क्योंकि पार्टिकल चढ़ रहा है वेज के ऊपर, ठीक है. वेज तो एज इट इज चल रहा है, वेज में तो कोई इशू हुआ नहीं, वेज की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रही. पार्टिकल वेज के ऊपर चढ़ने लगा तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट. तो अब हम पहले देखते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, हाफ इनटू 5m इनटू v स्क्वायर बाय 25, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस mgh प्लस mgh कितनी थी पोटेंशियल, ठीक है. तो हाफ 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 फॉर्मूला से उड़ा दें, mm भी उड़ा दें, तो हमारे पास बचा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का ये हाफ भी उड़ गया है और m भी चला गया है, तो v स्क्वायर बाय 5 प्लस 2gh ये बचा. तो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 5 इज 4v स्क्वायर बाय 5, 4v स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 2gh, सो h इज इक्वल टू 2v स्क्वायर्ड बाय 5g. तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए. थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ. ये वेज था मास 4m का, ठीक है. ये पार्टिकल आ रहा था m मास का v वेलोसिटी से, ठीक है. उसके बाद ये जो था दोनों चलने लगे और हमें ये निकालना है ये पार्टिकल यहाँ पर कितनी हाइट से चलने लगा, ये दोनों जो है वो v डैश से चल, राइट. तो ये सिचुएशन थी, राइट. तो ये थोड़ा सा ठीक सा सवाल है, बट ठीक है, इट्स ओके फॉर एनीबडी टू गेट इट, राइट. अच्छा, अब ये फ्री का सवाल फिर एक है, ये भी 2019 का ही है, ठीक है. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप टेकन एज पॉजिटिव जेड एक्सिस टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट पीएच ग्राफ इज. मोमेंटम वही होगा जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा और हाइट के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, राइट. तो जाहिर सी बात है कि v और h के बीच का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, क्योंकि v में इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और h में लीनियर है, तो ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा. अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ग्राफ पैराबोला होगा तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपके दिमाग से निकल जाने चाहिए. जैसे ही आपने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि भाई एक में लीनियर है और एक में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोला होगा. तो जो लीनियर ग्राफ दिख रहे हैं ए और बी वाले ऑप्शन में वो तुरंत आपके दिमाग से हट खत्म हो जाने चाहिए. अब आपको पता है कि जब आपने फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी को जीरो होना है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो रही है और फिर नीचे आएगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी. तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए बिना डिस्कशन के ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है. इसको मैं ऐसे क्वेश्चनों को मैं कहता हूं कि फ्री का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें दिमाग का मिनिमल यूज हुआ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बुलेट ऑफ मास 20g, बुलेट का मास 20g हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 20 अपॉन 1000 का kg. एज एन इनिशियल स्पीड u हो गई हमारी 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है. जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग ए वुड बॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर, एज जो है 0.2 मीटर हो गया. इफ द इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, फोर्स जो है रेजिस्टिव फोर्स जो ऑफर हो गया वो हो गया 2.5 into 10 to the power minus 2, ठीक है. तो यानी जो रेजिस्टिव एक्सेलरेशन हो गई वो हो गई 2.5 into 10 to the power minus 2
डिवाइडेड बाय ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 × 10⁻²। यानी ये हो गई, और ये माइनस लगाएंगे क्योंकि रेजिस्टिव है तो -1.2। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड विल बी क्लोज टू। ठीक है, तो इसको ना आप वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, बट वर्क एनर्जी थ्योरम और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक ही होते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2as। ठीक है, या तो आप यहां पे माइनस लिख लीजिए, आप यहां पे माइनस लिख लीजिए, एक ही जगह लिखेंगे। तो v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, u स्क्वायर है मेरा 1 स्क्वायर -2 × 1.25 × s इज पॉइंट। ठीक है, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आएगा v वो 0.7 मीटर पर सेकंड आएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे ऑलरेडी किए हुए होंगे, राइट? सो दिस इज अनदर जो है इजी क्वेश्चन, आई विल से इजी क्वेश्चन, ओनली टाइम टेकन विल बी इन इन द कैलकुलेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, राइट? चलिए, एक बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, इतना इजी है, देखने में सब बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास पार्टिकल का 1 kg है, स्लाइड डाउन ए फ्रिक्शनलेस टेस्ट AOC स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए। यहाँ पे रेस्ट से चलता है, ये जगह पे रेस्ट पे चल गया। ठीक है, और इसकी हाइट 2 meter है। आफ्टर रीचिंग C, यानी C पॉइंट पे पहुंच गया, द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन द एयर एज ए प्रोजेक्टाइल, वो प्रोजेक्टाइल की तरह जाता है, और उसकी हाइट 1 meter, यानी ये हाइट जो है ये 1 meter है। ठीक है, जो ग्राउंड से हाइट ये वाली हो गई, ये 1 meter हो गई। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन जूल्स इज, पार्टिकल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन जूल इज, कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब आप सोचो कितना सरल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। अब ए पे सिर्फ काइनेटिक सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रेस्ट से है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो हमने यहां पे लिख दिया mg × H। अब P पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, तो इज इक्वल टू mg h + काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम कोई हाफ mv² नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें एनर्जी की वैल्यू निकालना है। सो 1 × 10 × 2 इज इक्वल टू 1 × 10 × 1 इज इक्वल टू काइनेटिक। तो B इज -10, काइनेटिक एनर्जी 10। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, राइट? और मजेदार बात देखो, ये जो है मतलब 7th मॉर्निंग का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में आप जो हो NIT कुरुक्षेत्र से NIT त्रिची पहुंच सकते हो 5 नंबर, समझ रहे हो, इतना फर्क होता है। तो ये एक क्वेश्चन आप देखो कितना, आप देखो कोई भी क्वेश्चन वर्क एनर्जी का ऐसा नहीं है, और सारे क्वेश्चन आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के लिए हुए, आप खुद भी देख सकते हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने आप बना के ले लिए क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेंटर ऑफ मास। सब लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है विच कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी सच दैट वी कैन अज्यूम दैट ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड ऑन इट एंड वी कैन अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट पॉइंट टू गेट द सेम रिजल्ट एज दैट ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट? सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड वी डोंट थिंक वी नीड टू डिफाइन सेंटर ऑफ मास ओवर हियर। तो हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेंटर ऑफ मास के बारे में लिख लेते हैं, कि सबसे पहली बात डिस्क्रीट पार्टिकल। देखो सबसे ज्यादा ना मतलब हाईफाई चीजें तो हम बहुत पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास में, बट जेई मेन में अगर आप देखोगे, मैंने जैसे 2018-17 सब देखा है, तो उसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में ज्यादा बात की गई है, और हम सब लोग क्या करते हैं कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और क्या होगा जब ये होगा, वो दो बच्चे नाव में चलेंगे, है ना, तो वो सब चीजें हम कर रहे होते हैं, और जो पोजीशन है उसको नहीं कर रहे होते। और देखो जेई मेन ने पोजीशन ही पूछी है, जे एडवांस ने बड़ी बढ़िया पोजीशन क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो अभी हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे जब हम एडवांस की बात करेंगे। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में अगर हम देखें तो XCM दिया जाता है, हम सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम, राइट? Similarly, YCN, sigma mi yi upon sigma mi, right? And for similarly ZCM also, right? So, अगर हमें RCM position vector लिखना हो कभी भी, अगर हमें RCM position vector लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं XCM i cap plus YCM j cap plus ZCM k
ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। ये तो हो गया, ये अब आता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस x पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, अगर ये कांस्टेंट मास सिस्टम है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 अपॉन m इंटीग्रल x dm, सिमिलरली y dm इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटीग्रल y dm, सिमिलरली z dm, राइट। नाउ वेयर वेयर इसमें सबसे बड़ा चीज, वेयर व्हाट, वेयर x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स of element dm, ठीक है, ये है कांस्टेंट मास। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो रो जब कांस्टेंट है तब बात कर रहे हैं, रो इज कांस्टेंट। अब सपोज करिए कि रो इज वेरिएबल, रो अगर वेरिएबल हो, मतलब डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी, वो वेरिएबल हो, तो फिर हम लिखेंगे कि dm is equal to integral rho dx for linear object, ठीक है, dm is equal to rho da for surface, हालांकि आपको इसको कभी करना नहीं होगा क्योंकि surface integral आप करते नहीं हो, and dm is equal to rho dv for volume, ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। अब है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अब है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं क्या है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ, पहली बात, VCM इज इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, यू कैन सी प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है वो सब वेक्टर है, ठीक है, हेयर वेलोसिटी आर वेक्टर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सीधा मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, ठीक है, उससे गलत हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन इनटू VCM is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m, so ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये total mass of the system हो गया, m1 plus m2 plus m3 total mass of the system of particles, m into vcm is equal to m1 v1 momentum of particle 1, m2 v2 momentum of particle 2 and so on। इसका मतलब sum of linear momentum of all the particles is equal to total mass of the system multiplied by the velocity of center of mass, ठीक है। तो सम ऑफ मोमेंटा ऑफ ऑल इज इक्वल टू टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। सो एसीएम, एसीएम इज गिवन एज m1 a1 plus m2 a2 plus and so on divided by m1 plus m2 plus and so on। और यहाँ पे भी क्या ध्यान रखना है कि acceleration जो है वो vector है, ठीक है, acceleration is vector, मतलब ये लिखने का मतलब सिर्फ ये है कि आप ध्यान रखें जब आप क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिल जाएगा, m1 plus m2 plus and so on into ACM is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus and so on। Now m1 plus m2 plus ये क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is equal to force on particle 1 plus force on particle 2 plus and so, ठीक है। So
The total force acting on a system is equal to total mass of the system multiplied by the acceleration of center of mass, and that is the basically definition of center of mass also. ठीक है? So sum of the forces acting on the system of particles is equal to total mass of the system multiplied by ACM, multiplied by ACM, right? तो ये एक चीजें हो गई डिस्कशन की यहाँ पे. ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं. ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं बेसिकली कि एफ एक्सटर्नल या नेट एफ एक्सटर्नल बेसिकली, ठीक है, कि जो एफ नेट एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू या एफ वन एफ टू जो भी आप लिख रहे हो प्लस प्लस. ठीक है, तो इफ If F external is zero, अगर F external zero हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? F external zero हो जाए, तो क्या होगा? तो acceleration of center of mass zero हो जाएगा. Acceleration of center of mass zero हो जाएगा. अच्छा, किसी भी चीज का acceleration zero हो, उसके लिए क्या दो चीजें होनी चाहिए भाई? Acceleration zero हो, तो इसके लिए भाई क्या हो सकता है? एक तो बात ये हो सकती है कि VCM constant. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो VCM इज कांस्टेंट, तो दिस ब्रिंग्स इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड. तो देयर इज लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, दूसरी बात यह हो सकती है कि VCM खुद जीरो हो. VCM जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट. इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, विच मींस सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर, इसका मतलब क्या हो गया? विच मींस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट चेंज. विच मींस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नॉट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट कोरोलरी है. वैसे तो बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ाने में, लेकिन हाँ, जल्दी से मैं अगर आप सारे रिजल्ट्स आप मेरे से कहो कि बता दो, तो ये रिजल्ट्स हैं जो आपके जेईई मेन को क्रैक करने के लिए काम आएंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चंस तो मोर ऑफ कैलकुलेटिव है, ज्यादा कुछ खास इस क्वेश्चंस में है नहीं. ठीक है, बट हम 1920 के सारे क्वेश्चंस को करेंगे सेंटर ऑफ मास के. ठीक है, और अगला वेबिनार जो होगा कोलिजन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान रखिएगा. कोलिजन के बारे में काफी डिटेल में मैं बताऊंगा और कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे जे एडवांस तक के कठिन से कठिन क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएंगे. ठीक है, तो कोलिजन के लिए नेक्स्ट क्लास, और कोलिजन के क्वेश्चन खूब सारे जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं, राइट? फोर पार्टिकल एबीसीडी ऑफ मास दिस एम टू एम थ्री एम एंड फोर एम आर एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर. They have accelerations of equal magnitude with direction as shown in the figure. The acceleration of the center of mass is c. अब ये वही चीज आ गई कि acceleration of the center of mass is. ठीक है, तो पहले तो हम लिख लें भाई m1 क्या है, m1 m है. ठीक है, मैं m1 m2 लिख रहा हूँ. ठीक है, इन लोगों ने m m भी दिया होगा. ये 2m है, m3 3m है, और m4 जो है वो 4m है, right? m4 जो है वो. अब यहाँ पे आप देखो कि जो a है उसकी डायरेक्शन माइनस x एक्सिस में है, तो a1 मैंने लिख लिया माइनस a कैप. ठीक है, b की एक्सेलरेशन देखो प्लस y डायरेक्शन में है, a2 लिख दिया मैंने a j. ठीक है, 3 c की देखिए तो a3 जो है प्लस x यानी a, और d की देखिए तो a4 इज माइनस a. राइट, देखिए फिर से देखते हैं एक बार. ए किधर पॉइंट कर रहा है? नेगेटिव एक्स में. ए की एक्सेलरेशन हम लिख दी नेगेटिव एक्स में.
b किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव y में, लिख दी पॉजिटिव y में। c किधर पॉइंट कर रहा है, प्लस x में, लिख दी प्लस x में। y किधर कर रहा है, माइनस में, माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो acm is equal to minus m a i cap plus 2m a j cap फिर प्लस 3m a i cap एंड माइनस 4m a j cap। ठीक है, और ये सबको ऐड कर दिया जाए तो m plus 2m plus 3m plus 4m तो 4 और 3 7 और 2 9 यानी 10। तो ये सॉल्व कर लीजिए तो हमारा acm वेक्टर जो आएगा वो आएगा a by 5 into i cap minus j cap, right? So, देखिए दिस इज एन अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट जो मैंने लिखाया, रिमेंबर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, और आप सीधी वैल्यू लगा दो तो गलत हो जाएगा सब कुछ, है ना? तो आइडिया, राइट? चल, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी ये सब सरल सरल प्रॉब्लम है, दिमाग खर्च करने के प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट एबीसीडी ऑफ मास कैपिटल एम हैज अ लेंथ ए एंड ब्रेथ बी shown in the figure. If it is a shaded portion HEGO, is cut off the coordinates of the center of mass of the remaining portion will be. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होता है बेटा, इसको negative mass concept कहते हैं। ठीक है, तो हम negative mass concept में कैसे करते हैं कि हम करते हैं कि XCM is equal to capital M into capital X, capital M into capital X minus small m into small x upon m minus m. आप सब लोगों ने negative mass concept पढ़ा होगा, उसी पर ही ये based है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पूरा जो हमारी ये है क्या कहते हैं origin हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, तो बड़ी वाली plate का center of mass तो यही हो गया। ठीक है, अब छोटी वाली plate का निकालना है, तो छोटी वाली plate के भी हमें वो दे रखे हैं, origin हमने ये मान लिया है अगर coordinates of the center of mass will be. ठीक है, तो दिस इज ओरिजिन, तो जो इसका है a by 2 और b by 2 है। ठीक है, तो हम इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं कि xcm will be equal to यानी capital m into 0 minus इसका मास कितना होगा बेटा, अगर पूरे का मास m है तो इसका मास m by 4 हो जाएगा, तो m by 4 into a by 2 x है a by 2, ठीक है, a by 2 upon m minus m by 4। ठीक है, similarly ycm लिख देंगे हम, ycm हो गया मेरा y m into 0 minus m by 4 into b by 2 upon m minus m, right? तो ये तो मैंने सेंटर को ओरिजिन मान के निकाला है। ठीक है, सेंटर को ओरिजिन मान के मैंने निकाला है। ठीक है, इसमें आप जो है रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये आ गया है, इसको आप चाहे इस एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, मुझे लगता है आंसर जो है इस एक्सिस पे दिया हुआ है, इन वाली एक्सिस पे। ठीक है, तो अदरवाइज तो इसको अगर ओरिजिन मानेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, बट आंसर पॉजिटिव में, इसका मतलब एक्सिस ये वाली मानी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट? चलिए, ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास 50 ग्राम, 100 ग्राम एंड 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन द फिगर, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल है, इसमें इसमें मतलब ये वाला जो मास है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई 0, 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 0। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, ये x तो हो गया 0.5 आधा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3/2 इनटू जो है ये क्या कहते हैं साइड जो है इसकी, है ना, तो रूट 3/2। फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भाई xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 यानी 100 इनटू 0 प्लस 100 इनटू 1 सॉरी प्लस 150 इनटू 1 नॉट 100 सेकंड मास इज 150 150 इनटू 1 प्लस नो सॉरी गलती लिख गया मैं 50 है पहला वाला
first one was 50, not 100. So first one was 50. So it is 50 into 0 plus 100 into 1 plus 150 into 0.5 upon 50 plus 100 plus 50 plus 100 plus 150. ठीक है. Similarly फिर YCM लिख दीजिए. ठीक है. 50 into 0 plus 100 into 0 plus 150 into root 3 by 2 upon 50 plus 100 plus. ठीक है. तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राइट? ये एक देखते हैं. ये थोड़ी ना फिगर इसमें सही नहीं बनी हुई है, मैं इसकी फिगर थोड़ी ठीक करता हूँ. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आरसीएम ऑफ ऑल द ऑफ एन एसिमेट्रिक बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया क्रॉस सेक्शन इज शोन इन द फिगर. ये फिगर ऐसी है बेटा, ये जो फिगर है ना, ये फिगर ये है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से है और इसके जो है हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब ये पूरा 2L है, ये L है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा यहाँ पर आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर आएगा और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L कॉमा L बाई L कॉमा L, L कॉमा L. एक्स कोऑर्डिनेट देखिए ये हो गया 50% पे आ गया और Y कोऑर्डिनेट L है. ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा L कॉमा L by, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा भैया, इसका हो गया हमारा ये 2L हो गया और ये 5 by 2L, 5L by 2 comma ये coordinates बनते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम XCM लिख देंगे. तो XCM मेरा हो गया भाई, सारे सबका मास M है. ठीक है, तो M into L प्लस एम इंटू एल प्लस एम इंटू फाइव एल बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री. सिमिलरली वाई सी एम जो हो गया वो हो गया एम इंटू एल प्लस एम इंटू एल बाई टू प्लस एम इंटू जीरो डिवाइडेड बाई. So you can get the answer like this, right? एक और last question है ये, ठीक है, आज की series का. तो ये question जो है, ये कह रहा है कि ऐसा एक हमारे पास rectangle है और इसके coordinate of center of mass निकालने हैं. तो हम इसको ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है, दो rectangle में तोड़ देते हैं. और इस rectangle का देखिए one ये है और ये भी one है, यानी यहाँ से यहाँ तक one हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक two हो गया. ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये होगा 0.5, 1. इसका सेंटर ऑफ मास होगा 0.5, 1. ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, तो देखिए ये यहाँ तक 2 हो चुका है और ये एक और है 2 और 1 3, तो ये हो गया 2.5, तो y हो गया इसका और x इसका हो गया 1. ठीक है, तो 1, 2.5. ठीक है, 1, 2.5, राइट. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब हम फिर से वही लगा दें भाई कि XCM is equal to M1 into X1 into, है ना, तो इस तरीके से आप बेसिकली तोड़ सकते हैं इसको. The coordinate of the center of mass of the plate lamina of the mass is 4 kg. The coordinates, अब इसका हमें बेसिकली मास निकालना पड़ेगा कि दोनों का कितना कितना है. तो इसका एरिया कितना हो गया बच्चों, इसका ये जो विथ है 1 है, इसका एरिया है 2 और इसका है ये जो विथ हो गई, ये हो गई 2 और ये हो गया 1. तो दोनों का एरिया इक्वल है तो दोनों का मास भी 2 kg हो जाएगा. ठीक है, तो m1 into x1 यानी 2 into 0.5 plus 2 into 1 divided by 2 plus 2 4, तो 0.75 आ गया. सिमिलरली ycn लिख लेते हैं, तो 2 into y कितना है 1 प्लस 2 इनटू y कितना है 2.5.
तो ये ए ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चंस जो है ये जेईई मेंस 2019 और 20 में आए हैं। और देखिए आप कोई भी क्वेश्चन अगर शुरू से देखिए अंत तक, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो या कोई प्रॉब्लम फेस होने की बात हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ बातों पर छोटे छोटे ध्यान रखना है जो मैंने लिखी है। इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एंड मीट यू इन नेक्स्ट सेशन ऑफ कोलिजन। थैंक यू।